मैं तो अरे भाई सब्सक्राइब बटन कौन दबाएगा, बेल आइकॉन कौन दबाएगा, सब काम मोदी जी करेंगे या तुम भी कुछ कर लोगे? बटन दबाओ भाई। प्रॉब्लम आजकल ये हो गई है कि अनिल अंबानी ओन्ड रिलायंस डिफेंस लिमिटेड आजकल सीज एंड डिजिस्ट नोटिस इशू करने लगे हैं। मैंने सिंपल लीगली इस टर्म में बोले हैं कि कंपनी थोड़ी सी परेशान है कि मीडिया उनके बारे में क्या लिखेगी, तो बड़े बड़े चौड़े चौड़े नोटिस भेजे जा रहे हैं। स्टोरी निकलने से पहले ही अखबारों को ये वॉर्न किया जा रहा है नॉट टू पब्लिश एनीथिंग दैट इज अनवेरीफाइड एंड स्पेक्युलेटिव, जहां तक रफाइल डील की बात होती है। तो बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन हिंदी में बोला जाए तो यही कह रहे हैं कि अगर आपने पब्लिश किया तो हम आपको बम्बू कर देंगे। तो ये सारे बड़े बड़े अखबारों बड़े बड़े चैनलों को ये वार्निंग गई है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, जो कि अनिल अंबानी छोटे भाई ओन करते हैं। लेकिन भाई देखिए, हमें तो नहीं आया नोटिस, और अगर हमारे पास आता तो हम ये कर देते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जब हमारे पास ये नोटिस आया नहीं और हम कोई एलिगेशन लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन दो चार सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना। देखिए, सबसे पहले सवाल पूछने से पहले एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, रफाइल इज एन एक्सेलेंट पीस ऑफ हार्डवेयर, बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसको बीच में नहीं लाते हैं। बोफोर्स भी बहुत अच्छा गन था, जितना बड़ा तमाशा हुआ था, जितना बड़ा स्कैम बना था, जो आज तक भी कांग्रेस के सर पे लटकता है, लेकिन गन बहुत बढ़िया थी, जैसे कि हमें कारगिल में समझ में आया। तो उसको साइड में रखते हुए ये रहे 10 सवाल ओवर द रफाइल डील। आज तक किसी को समझ में नहीं आती, एलिगेशन नहीं है, सवाल है। सवाल नंबर वन सुन लीजिए आप, व्हाई वाज द इनिशियल डील बिटवीन दसों, व्हिच इज द फ्रेंच कंपनी दैट मेक्स द रफाल एयरक्राफ्ट, एंड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैंसल्ड? ये कैंसिल क्यों हुआ पहले ये बताओ। डील इतने सालों लगाकर जब हमने ये डील बनाया, इतना टेस्टिंग पुष्टिंग करके, इतना नाप तोल करके जब हमने बनाया, फाइनल स्टेज पे ये डील कैंसिल क्यों हो गया? आज तक हमारे पास कोई क्लियर जवाब नहीं है। मोदी के फ्रांस जाने के एक हफ्ते पहले तक दिस डील वाज अलाइव एंड किकिंग, सेक्रेटरी लेवल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी भाई साहब, फिर सडनली छूमंतर, एक जुमले की तरह पूरा का पूरा डील वैनिश। क्वेश्चन नंबर टू, रफाल एयरक्राफ्ट आएगा कब? देखो यार, एक वन ऑफ द रीजंस दैट इज गिवन फॉर कैंसिलिंग दिस मैसिव 126 फाइटर डील जो कि यूपीए सरकार ने फाइनलाइज किया था, इज दैट बॉस हमें इमीडिएटली फ्लाई अवे कंडीशन में एयरक्राफ्ट चाहिए थे, क्योंकि इंडिया को अर्जेंट जरूरत थी ये एयरक्राफ्ट्स की, इसीलिए 60,000 करोड़ लगा के हमने 36 फाइटर्स खरीदे इन अ फ्लाई अवे कंडीशन टू बी डिलीवर्ड ASAP। लेकिन ये एज सून एज पॉसिबल है कब? अकॉर्डिंग टू फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हिमसेल्फ, द एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट कमिंग इन सितंबर 2019। 2015 में साइन हुआ था, अभी 2018 है, एंड 2019 सितंबर में ये सारे के सारे आने शुरू होंगे। और 36 के 36 कब आएंगे, जो कि अर्जेंट परचेज थे? 2022। तब तक मेरे ख्याल से ये एयरक्राफ्ट आउटडेटेड भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, अरे चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो ना कभी ना कभी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या इस नए डील की नींव ही गलत रखी गई थी? डिड दिस डील गो थ्रू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर? पता नहीं। डिड द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द डील ऑन हिज ओन विदाउट कीपिंग द डिफेंस मिनिस्टर इन द लूप? पता नहीं। अरे मनोहर पारिकर को इसके बारे में मालूम था या नहीं, ये भी पता नहीं। एंड वॉज देर अ प्रायर इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट? ये भी पता नहीं। देखो यार, प्रॉब्लम होता है कि ऐसे सवाल पूछो तो या तो नौकरी जाती है या तो जान, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। 1,000 करोड़ का सवाल है। जी हां, क्वेश्चन नंबर फोर, ये 500 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1500 करोड़ का कहां और कब कैसे बन गया? कांग्रेस का पब्लिक क्लेम ये है दैट दे गॉट द रफाइल डील फॉर 126 फाइटर्स एट 526.1 करोड़ रुपीस पर एयरक्राफ्ट। बीजेपी का डील फॉर 36 एयरक्राफ्ट कम्स टू 1,570.8 करोड़, लगभग 1600 करोड़। कतार ने भी परचेस किया 12 रफाइल 2017 में एट द रेट ऑफ 694.9 करोड़ पर एयरक्राफ्ट। अब सरकार ये कह रही है, देखो यार ये इंक्रीज्ड कॉस्ट है, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा ये सब, तुम लोग क्यों ये सब माथा खपच्ची कर रहे हो, इट इज बिकॉज इस एयरक्राफ्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। हाउएवर द गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू शेयर द डिटेल्स ऑफ ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब हाउ सीक्रेट, क्वेश्चन नंबर फाइव देन इज हाउ सीक्रेट कैन दी सीक्रेट फीचर्स बी? अरे यार, कोई भी डिफेंस एनालिस्ट आपको एयरक्राफ्ट को ना एक सेकंड में देख के बता देगा कि भैया इसमें सप्लाई सिस्टम क्या है, इसमें वेपनरी सिस्टम क्या है और कौन से मिसाइल सिस्टम्स फिट हैं। एनीवेज, अगर नहीं बताया तो उससे लाभ क्या है? द होल फिलॉसफी ऑफ आर्मी इज दैट बॉस, आप अपने आर्मी को बताते हो
कि ये है मेरे पास, इतने सबमरीन हैं, इतने अटैक वॉरियर्स हैं, इतने हेलीकॉप्टर्स हैं, इतने फाइटर्स हैं, जिससे कि वो भी शांत चुपचाप बैठा रहे। पूरा का पूरा अमेरिका और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर इसी बेसिस पे था, इसके पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसके पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है, अटैक करोगे तो खुद खत्म हो जाओगे। 26 जनवरी को हम और क्या कहते हैं, पूरे दुनिया को यही तो दिखाते हैं हमारे पास क्या है आज, लेकिन सब कुछ सीक्रेट है, ना 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 ना, किसी को नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दैट आल्सो ब्रिंग्स अस टू कि एचएएल को डंडा क्यों मारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमारे देश के लिए बहुत सारा काम किया एरोनॉटिक्स में, और ये हटाकर आपने एक कंपनी को चांस दिया जिसने कभी कौन, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, जिसने कभी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी काम नहीं किया, लेकिन उसको आपने उठा के ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का मौका दिया। अब ऑफसेट का मतलब यह है कि सोच लीजिए 60,000 करोड़ का यह डील है, इंडिया ने 60,000 करोड़ पे किया, तो दसों हैज टू कम बैक विद 30,000 करोड़ एंड इन्वेस्टेड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इनटू कोलैबोरेशंस इन इंडिया। इसको कहते हैं ऑफसेट। और यह कहा जा रहा है कि इसमें से जो ल्यूक्रेटिव डील था वो मिल गया रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को, जो कि तभी पैदा हुआ था जब यह डील पैदा हुआ था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज सरकार ये कहती है कि रिलायंस डिड दिस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट विद दसौ डायरेक्टली, उनको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन अरुण शौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि बॉस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, रक्षा मंत्री को खुद अप्रूव करना होता है कोई भी ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, रिगार्डलेस कि वो बड़ा हो या छोटा हो। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया यू वॉन्ट टू चक, हटाओ ये सब एचएएल फेचएएल, ये सरकारी पीएसयू हटाओ, यू वॉन्ट टू गिव चांस टू अ ब्रांड न्यू कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में, चलो कोई बात नहीं, पर डॉक्यूमेंट्स कहां है, प्रोसीजर कहां है, डेटा कहां है, रक्षा मंत्री के पास कोई डेटा नहीं है, इतना बड़ा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रक्षा मंत्री कह रही है हमको तो कुछ नहीं मालूम है, क्या कहता हूं मैं, नो डेटा इज द बेस्ट डेटा। अच्छा चलो यही बता दो, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट आज के डेट में है कि नहीं है, क्योंकि पहले तो रिलायंस कह रहा था कि हमने 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अब उस पर भी थोड़ा सा डगमगा रही है। उधर दसों से खबर ये आ रही है, वो कह रहे हैं यार देखो ये सब ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मारो गोली, हम मेक इन इंडिया कर देंगे, है वो कह रहे हैं मेक इन इंडिया कर दो, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, सबको पप्पू बनाया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये वाला पप्पू नहीं, जनरल पप्पू। क्वेश्चन नंबर 8, मेक इन इंडिया, भाई मेक इन इंडिया से मेक इन फ्रांस क्यों हो गया, अरे चलो ऑफसेट नहीं, लेकिन कम से कम एयरक्राफ्ट इतना मेहनत करके मशक्कत करके एयरक्राफ्ट इतना पैसा दे रहे हो तो कम से कम टेक्नोलॉजी तो सड्डी अपनी होगी ना, लेकिन अंडर द न्यू डील दसौ डज नॉट हैव टू शेयर इट्स टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ विद इंडिया। भाई रिलायंस तो ठीक है, बट मेक इन इंडिया भी मार डाला। आए अकॉर्डिंग टू द 126 एयरक्राफ्ट डील जो कि पहले साइन किया था यूपीए ने, उसमें यह डील था कि पहले के सिर्फ 18 एयरक्राफ्ट फ्लाईओवर कंडीशन में होते और उसके बाद 108 जो एयरक्राफ्ट होते वो एचएएल मैन्युफैक्चर करती अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। अब वो भी आपने हटा दिया, जबकि कंपनीज तो भैया कटोरा लेके बोल रही हैं हम आपको आके सिखा देंगे प्लेन कैसे बनाना होता है, धंधा दे दो हमें, तो ये भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 9, डिड द गवर्नमेंट डेलिबरेटली इग्नोर द क्लोज नंबर 2 कंपेटिटर टू रफाइल, दैट वाज ऑफ कोर्स द यूरोफाइटर। यूरोफाइटर टाइफून गेव अ रिटन ऑफर अपेरेंटली टू द देन डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ऑन द 4th of July 2014, ऑफरिंग टू रिड्यूस प्राइसेस बाय एज मच एज 20%। लेकिन नहीं, हमने तो वो बात देखी ही नहीं, जबकि हम इंडियंस हमेशा बेस्ट डील पे लेते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें दसों से बहुत ज्यादा ही प्यार है, हमने तो देखा ही नहीं वो डील। एनीवेज वो भी छोड़ दो, फाइनल लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इज नेशनल सिक्योरिटी अ जोक। अरे बीजेपी का सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड ही तो यह है, फियर्स लव फॉर इंडिया, भारत माता वर्सेस इटालियन कांग्रेस, लेकिन आपने भारत माता के बारे में भी नहीं सोचा। अरे ठीक है मान लिया कांग्रेस ने बहुत सारा टाइम लगाया ये 126 फाइटर डील करने के लिए, लेकिन फाइनल स्टेज पे आपने जाके ये कैंसिल कर दिया, 36 फाइटर ऑर्डर कर दिए जो कि आएंगे 2022 में, जबकि अगले एक दशक में इंडिया को 200 से 300 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, कहां से आएंगे, हमारे एयर डिफेंसेस एकदम खुले पड़े हुए हैं, चाइनीज ऑपोजिशन और प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे पास ठनठन गोपाल है, हम अभी भी MiG-21 बाइसन चलाते हैं। और फाइनली जो खराब लगता है, HAL किक्ड आउट इन अ प्राइवेट कंपनी विद नो एक्सपीरियंस ब्रॉट इन। अगर आप ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी को लाते जिसका कुछ एक्सपीरियंस होता
तब भी मत मानने को राजी है आदमी। एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी को हटा के आपने एक रैंडम कंपनी को, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर बनी जब ये डील हुआ, दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। और ये एलिगेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये सवाल कर रहे हैं। ये एंटी नेशनलिज्म नहीं है, याद रखिए, ये नेशनलिज्म है। यही सवाल कांग्रेस ने 25 साल पहले ठीक से नहीं दिए थे जवाब, आज तक बोफोर्स का साया मंडराता है उनके ऊपर। ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये देश का इशू है, याद रखिए। आईएफ फाइटर्स, आईएफ को ना फाइटर्स आज चाहिए, फाइटर जेट्स, जुमले नहीं चाहिए उनको, उनको फाइटर जेट्स चाहिए। और ये जो सियाचिन में ना लोगों को कस्मे वादे दिलवाते हो, कम से कम ये तो ठीक कर लिया करो यार, सीरियसली। अब अगर 10 मिनट के बाद यहीं आ गए हो तो एक दो बटन छटन दबा दो, देखो लाइक बटन दबा दो, हैं जब 20-25,000 लाइक हो तब कोई मजा आए। मैंने डिसलाइक बटन भी दबा सकते हो, मनाही नहीं है। और अगर डिसलाइक बटन दबाओगे तो फिर मदर सिस्टर को भी याद कर लेना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेल आइकॉन दबाना, बताओ क्यों? अरे भाई, जब मैं सैटरडे नाइट लाइव करने आऊंगा या फिर कभी किसी गेस्ट को लेके आऊंगा सडनली, तो मैं मालूम होना चाहिए ना दैट आई एम गोइंग टू कम लाइव, इन नोटिफिकेशन तो तभी आएगा। अब मैं हमेशा कहता हूं, देखो हर चीज ना मोदी जी पर मत छोड़ा करो, वो रफाल डील कर ले वही बहुत बड़ी बात है, तुम बेल आइकॉन दबा दो। और सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक दबाया नहीं तो फिर गो टू पाकिस्तान है, तो इतना सारा काम है, जल्दी से लग जाओ है, लाइक डिसलाइक कॉमेंट सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन, बहुत सारा काम है और लग जाओ। हाँ, अगर एक्स्ट्रा प्यार है एट द फाइनल एंड ऑफ द डे, देन डू सब्सक्राइब। भैया सेंचुरी मार रहे हैं हम आजकल पेट्रियन में, तो पेट्रियन का बटन है उसको दबाइए और देखिए हाउ यू कैन सपोर्ट दिस चैनल। आप चैनल सपोर्ट करोगे और रिसर्च मटेरियल आएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और मस्ती करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पेट्रियंस डिसाइड करते हैं कि वो मेरे साथ कब बात कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट सिस्टम, वो कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, रिसर्च पे कोलैबोरेशन होता है, सो बहुत सारा मजा आता है। एक एक्सक्लूसिव क्लब है हमारा पेट्रियन पे, तो वो बटन भी दबाकर देखिए, बहुत सारा मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड, लॉट्स मोर एक्शन राइट हियर ऑन दिस चैनल।